अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमसे एक आखिरी चीज मांगूं तो क्या तुम लोगे? अगर हमारे बस में होगा तो जरूर देंगे। तो समय को पीछे ले जाओ। जिस दिन मेरे कानों ने सुना कि तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, उससे भी पीछे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सोचा था कि तुम हमेशा मेरी हो, मेरा हक है तुम पे, लेकिन तुम। और अगर हम कहें कि हमने हमको कोई धोखा नहीं दिया है और हम मां नहीं बनने वाले, अरे कालू, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारी खिड़की से घर के अंदर आना जानता हूं। मैं वहां कमरे में गया तो तुम थी नहीं, तो तुम्हें ढूंढता ढूंढता मैं यहां आ गया। अब घर में इतना सन्नाटा था, मैं समझ गया कि आसपास कोई है नहीं जो मुझे पकड़ सके। अच्छा हो गया, अब जाओ यहां से। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, मैंने मीरा और वरदान के लिए बहुत बहुत स्पेशल डेट प्लान करी, तुम जाओ यहाँ से। क्या सुना मैंने, डेट? हाँ। सही है, वैसे चला जाऊंगा, मैं तो एक खुशखबरी देने आया था, पर मैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या खुशखबरी? हाँ गौरव, 2 दिन बाद इंडिया आ रहा है। और केत की और वरदान के डिवोर्स की हियरिंग में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं ये सोच रहा था कि गौरव अगर अपने माँ बाप को सब कुछ बता देता है, उन्हें मना लेता है, तो फिर केत की भाभी को प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर पे लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर मेरी प्यारी कालू, फिर तुम जो इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो ना, वो सपने ही रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे निकलो यहां से, चलो। तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से जानती हूं, और इस बार मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता। गौरव तो 2 दिन बाद आएगा ना, लेकिन वरदान जो आज देखने वाला है, जो वो केतकी और आकाश को करते हुए देखेगा, उसके लिए वो केतकी को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और वरदान और केतकी का तलाक होकर रहेगा।
अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।